एंड बिलीव मी, एक ही बार में आप लोगों की आंखों के सामने कितना ज्यादा रिजल्ट मुझे मिल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से भाइयों, क्या हाल है आप लोगों का। देखो मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाए, विद फेस भी वाइट हो जाए, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं और मेरे सने सने भाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाए, गर्मियों में स्पेशल ये हो रहा है कि डार्कनेस आ जाती है बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर भी, और वो पसीना बाबर आने से हो सकता है, अदर रीजन से हो सकता है, और आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी मेरे प्यारे भाइयों की वाइट हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। सो मेरे चांद जैसे भाइयों, बात सुनो। देखो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और बगैर साइड इफेक्ट के आप लोग इसको यूज़ करके अपनी फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर यूज़ कर लें, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, 150 इसका आपको खर्चा आएगा, तो एक बार मेरे कहने पे यूज़ कर लें, सारी ज़िंदगी आप बाद में खुद ही यूज़ करते रहेंगे। इतनी पावरफुल चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो मेरी प्यारी सी बहनें वो भी ट्राई कर सकती हैं, आप लोग भी बगैर साइफा के इसको यूज़ कर सकती हैं। आप लोग भी सिर्फ एक बार यूज़ करोगी, ठीक है, मेरे कहने पे खुद ही करोगी और हर बंदे को बताओगी, इतना आउट क्लास में आपको एक चीज़ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चांद जैसे भाइयों, देखो एक बात है आप लोगों के लिए, यार वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे। ये आपका भाई जो है गर्मी में खड़े होके देखो पसीना आ गया फुल, देखो यार आंखों में पसीना जा रहा है, तो किन के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। यार वीडियो को लाइक तो करो, इन बेइंसाफी ना किया करो। और हाँ देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करोगे साथ बेल का आइकन का, सिंपली आप लोगों ने बेल पे क्लिक करना, ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा तो काइंडली आप लोगों ने ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटीफुल वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। सगाई छिले फिर हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे से बहनों एंड भाइयों, बात सुनो, आप लोगों का टाइम नहीं जाया करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको सोप बनाना सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है यार, अच्छे तरीके से देख के आप लोग एक ही बार में बनाना सीख जाओगे, दो बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोग सेम उस तरीके से बनाकर जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से यूज करिएगा, इंशाल्लाह बगैर साइड इफेक्ट के आपकी फुल बॉडी वाइट हो जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को लेना है कद्दूकस, और भाई आपको लेना है एक सोप, उसका आपको हाफ पीस कर लेना है। अब मेरे भाई एक बात को अच्छे तरीके से समझ लो, अगर आप लोगों ने ये बनाना सीख लिया तो मेरे भाई बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वाइटन लाना, बॉडी को वाइट करना। सो आप फुल बॉडी को वाइट कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा, आप इजीली हर चीज कर लोगे। मैं अभी से कह रहा हूं कि अच्छे तरीके से समझ लो, बनाना सीख लो, बन गया तो कमाल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपके पास सोप है आपने वो लेना है, और उसको आपने कद्दूकस करना है, और आपने छोटे वाले पार्ट से करना है, ठीक है, ब्रिक ब्रिक करना है। और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, हाफ सोप लेना है और उसको आपको कद्दूकस कर लेना है। चलिए मैं कद्दूकस करता हूँ, देन आपके पास वापिस आता हूँ। सो गाइस, मैंने सिंपली कद्दूकस कर लिया है और आप लोगों के आंखों के सामने है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं, एंड सिंपल एंड इजी स्टेप है, बस समझने वाले। चलिए सबसे पहले आप एक चूल्हे का अरेंज कर लें, चूल्हा ले लें और उसका फ्लेम जला लें। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ऐसा करना है, पैन रख लेना मेरे भाई, जो आपके पास एक्स्ट्रा बर्तन है जो गए आप लोग उसमें बना लोगे, इसी कोई मसला नहीं होगा। तो अब जो हमने जो हमारे पास सोप जो हमने कद्दूकस किया हुआ है, वो अपने सोप लेना है हाफ सोप का, वो अपने इसमें सारा ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट भाई आपको ऐसा करना है मेरे भाई, आपको लेना है वाटर, पानी लेना है, और समझ लें एक गिलास का चौथाई हिस्सा तकरीबन बनता है, वो आपने ऐड करना है पानी का तकरीबन, बस। तो सिंपली बहुत हो गया है, इतना बहुत ज्यादा है, सिर्फ इतना ही पानी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज मेरे भाई, आपको जाना है मेडिकल स्टोर पर, और वहां से मिलता है हाइड्रोजन एंड अमोनियम, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड अमोनियम सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी 50-50 रुपए की। तो सिंपली मेरे भाई आपको ऐसा करना है, दोनों चीजें 50 की वैसे मिलेंगी। सो एक चम्मच आपको हाइड्रोजन लेना है और वो इसके अंदर एक चम्मच ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज मेरे भाई रहेगा अमोनियम, तो मेरे भाई अमोनियम लेना है और आपको वो भी एक चम्मच अमोनियम भी इसके अंदर ऐड कर देना है। इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद काफी बबल्स बनेंगे, आप लोगों ने इन चीज से जरा भी परेशान नहीं होना। आपने मेरे भाई इसके बाद मेडिकल स्टोर से ही आपको मिलेंगे इवियन 400 mg कैप्सूल विटामिन ई के। तो ये कैप्सूल है मेरे भाई, ये कैप्सूल इसलिए है ताकि भाई आपकी स्किन थोड़ी ग्लो करेगी, नरिश आपकी स्किन हो जाएगी। सो इसलिए हम 3 कैप्सूल लेंगे इसके विटामिन ई के, जो हमारे पास है इवियन 400 mg, तो ये इसके अंदर हम पिंच कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि मेरे भाई
बेकिंग सोडा तो आपको तकरीबन हाफ स्पून लेना है और वो इसके अंदर आपको ऐड कर देना है, या आपको किराना स्टोर से मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे भाई आपको चाहिए फेयर एंड लवली क्रीम। अगर आपके पास फेयर लवली है तो ठीक है, नहीं तो भाई वो मिलती है क्रीम तिब्बत, वो ऐड कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं तो ग्लो एंड लवली, जो फेयर लवली का नाम चेंज हुआ वो हुआ। फिर आपने मेरे भाई ऐसा करना है कि एक चम्मच भर के फेयर लवली क्रीम लेनी है और वो आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो सिंपली मेरे भाई हमारी जो तमाम चीजें वो ऐड हो चुकी हैं। तो अब आपने इसको हलाना है, ठीक है, ताकि और इसको बिल्कुल खुश्क करना है, जाकर जो कि इसके मोटे मोटे पीस हैं सब मिल जाएं और जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सारी आपस में मिल जाएं। सो मेरे भाई आपने इसको अच्छे तरीके से साधा हलाना है और बिल्कुल इसे खुश्क करना है। सो चलिए आपने तकरीबन इसमें काम में मेरे ख्याल से भाई 5 मिनट लग जाएंगे तकरीबन। सो मैं ये कर रहा हूँ और आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है ये सोप और आप लोग भी इजीली इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। इसी तरह फ्लेम जलते रहने देना है और आपने स्लो डाउन इसको बनाते रहना है। सो गाइस ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और सोप आप लोगों के आंखों के सामने बिल्कुल ये छोटा सा रह गया बिल्कुल। सो ये अब हमारा सोप बिल्कुल रेडी है। आंच को बंद कर दें और इस सोप को भाई किसी भी यानी कि आप ले लें भाई कंटेनर में ऐड कर लें, जहाँ पर यानी कि बेसिक ये हो कि इसको शेप मिल जाए एक सोप की। तो मैं एक छोटा सा बाउल लूँगा और उसके अंदर मेरे भाई मैं इस सोप को ऐड कर दूंगा, साथ थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल ना ज़रा शेप आ जाए इसमें सोप की। तो ये आपका सोप तकरीबन बन जाएगा। तो इसको हमने शेप दे देनी है सोप की, ठीक है। तो ये हमारा सोप हो गया, इसको मैं थोड़ा प्रेस करके साथ लगाता हूँ बिल्कुल, और आपने इसे छोड़ दें ताकि बिल्कुल ये हार्ड हो जाए। सुबह चांद जैसे भाई, आई होप कि आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा है, बनाना भी सीख लिया है। अब इसको यूज़ करने से पहले सिर्फ एक अपने भाई की बात को सुन लेना। फर्स्ट तो भाई लाइक कर लो, बड़ा यार मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं खुद कह रहा हूँ बार बार आपको। दूसरी ये चीज़ कि देखो मैं, अगर आप लोगों की एज टीन एजर जो है जिनकी एज 14 ईयर से कम है, वो लोग इसको ट्राई ना करिए। हाँ अगर आप लोगों की एज 15 ईयर से अबव है, जितनी भी है अबव, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और इजीली अपनी फुल बॉडी को आप लोग वाइट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो मेरे लिए हाजिर रहेगा, मैं हाजिर रहूँगा आप लोगों के लिए। तो कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जरूर जानूंगा। एंड मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह।